बुलंदशहर में रामघाट के गंगा घाट का निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम और डीबीआई सीईओ को वापस लौटना पड़ा है। दरअसल तेज बारिश के चलते रास्ते में जलभराव था, जिसके चलते सरकारी गाड़ी पानी में फंस गई थी। अधिकारियों को लौटने का और के अलावा और कोई उपाय नहीं दिखा। वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। 6 जुलाई का वीडियो बताया जा रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर निरीक्षण के लिए निकले थे एसडीएम और डीबीआई सीओ, तो बिना निरीक्षण किए अधिकारियों को वापस लौटना पड़ा, क्योंकि जलभराव की समस्या इतनी ज्यादा थी कि आगे गाड़ी नहीं जा सकती थी, जिसकी वजह से उन्हें यू टर्न लेकर के वापस जाना पड़ा। मुरादाबाद से खबर है, जहां बारिश के बाद भरभरा कर गिरी दीवार। दीवार गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। निर्माण कार्य के चलते इमाम बाड़े की दीवार गिरी और दीवार गिरने से बड़ा हादसा होने से टला है। थाना नागफनी इलाके के नई सड़क चौराहे का ये मामला है और इमाम बाड़े की ये दीवार, ये देखिए किसने भरभरा कर नीचे गिरी है, जिसके बाद एक बड़ा हादसा होने से टला है। बारिश के बाद ये दीवार ढह गई। दीवार गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बारिश के बाद भरभरा कर ये दीवार गिरी थी। मुरादाबाद की ये तस्वीरें हैं, जहां पर इमाम बाड़े की ये दीवार भरभरा कर नीचे गिर जाती है। अगली खबर बिजनौर से है, जहां मूसलाधार बारिश से मकान की गिरी दीवार। दीवार के मलबे में दबी मासूम बच्ची, मलबे में दबने से बच्ची की जान जा चुकी है। बच्ची की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। थाना कोतवाली शहर के निजामतपुरा गांव का ये मामला है। तो दीवार गिरने से बच्ची उसकी जद में आ गई, जिसके बाद बच्ची की सांस दम घुटने से मौत हो गई। सांस नहीं आ रही थी बच्ची को, फिर दीवार की में दबने से बच्ची की मौत हुई। परिवार वालों में कोहराम मचा हुआ है और बारिश का सितम देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहे। पीएम मोदी ने यहां गोरखपुर लखनऊ रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। पीएम मोदी ने यहां करोड़ों की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया, जिसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। गीता प्रेस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत हुआ। इस दौरान सीएम योगी भी पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार के गोरखपुर दौरे पर विकास के साथ साथ विरासत से भी रूबरू हुआ। उन्होंने कहा कि शिव महापुराण का विमोचन सौभाग्य की बात है। वहां ज्ञान का बोध भी है और विज्ञान का शोध भी है, क्योंकि गीता का वाक्य है वासुदेवः सर्वम। सब कुछ वासुदेवमय है, सब कुछ वासुदेव से ही है, सब कुछ वासुदेव में ही है। भाइयों और बहनों, 1923 में गीता प्रेस के रूप में यहां जो आध्यात्मिक ज्योति प्रज्वलित हुई, आज उसका प्रकाश पूरी मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हम सभी इस मानवीय मिशन की शताब्दी के साक्षी बन रहे हैं। साथियों, गीता प्रेस विश्व का ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है जो सिर्फ एक संस्था नहीं है, बल्कि एक जीवंत आस्था है। गीता प्रेस का कार्यालय करोड़ों करोड़ लोगों के लिए
किसी भी मंदिर से जरा भी कम नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली। आज उत्तर प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी एक नई भूमिका के साथ सामने आया है। अब लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश ने कर लिया तो इसका मतलब अन्य राज्यों को भी अब किसी तर्ज पर आगे बढ़ना चाहिए, और जिसने उत्तर प्रदेश के इस परसेप्शन को बदलने में सर्वाधिक भूमिका का निर्वहन किया उनमें से एक क्षेत्र है, वह है उत्तर प्रदेश पुलिस बल के द्वारा किए गए प्रयास। बेहतर कानून व्यवस्था, 75 लाख से अधिक के शौचालय प्रदेश के हर घर तक पहुंचाने का काम भी किया था। ये उत्तर प्रदेश की इस क्षमता का एहसास जब राष्ट्रीय स्तर पर हुए कार्यक्रम के माध्यम से चीजें देखने को मिली, उनको भी लगा था क्या ये संभव है। हम लोग जब इस बारे में प्रारंभ में कहते थे क्यों नहीं संभव, हो सकता है, होगा, ये हो सकता है, उत्तर प्रदेश कर सकता है, पहले किसी को विश्वास नहीं होता था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।